कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार ने जारी की SOP। कुंभ में जाने के लिए करना होगा नियमों का पालन। जाने पूरी गाइडलाइंस। कुंभ मेला 2021 का आयोजन उस दौर में होने जा रहा है जब पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया कोरोना जैसी भयानक महामारी से जूझ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये एक ऐसा आयोजन है जहां देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। गौरतलब है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने SOP जारी कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को जिम्मेदारी दे दी है कि किसी भी हालात में इस आयोजन की वजह से कोरोना नहीं फैलना चाहिए। कुंभ मेले में भारी भीड़ उमड़ेगी। माना जा रहा है कि इस मेले की वजह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए कहा है। साफ कहा गया है कि गृह मंत्रालय के आदेशों का पूरी तरीके से पालन किया जाए। निर्देश दिया गया है कि जितने भी हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर कुंभ मेले के दौरान काम करेंगे उनका वैक्सीनेशन पूरी तरीके से कर लिया जाए। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें ही कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात किया जाए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत उत्तराखंड सरकार इस बात का भी पूरा ध्यान रखेगी कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो और मेडिकल सर्टिफिकेट भी उनसे लिए जाएं। वहीं इस बात के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड सरकार इस बात के निर्देश सभी राज्यों को भेज दे कि 65 साल के ऊपर के उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में ना भेजा जाए। इसके अलावा गंभीर किस्म की बीमारियों से प्रभावित लोगों को भी कुंभ मेले में आने के लिए मनाही हो। आने वाले हर श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन हो। श्रद्धालु को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना भी अनिवार्य होगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी राज्यों को भेजे जाएंगे निर्देश। 65 की उम्र से ज्यादा, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में ना भेजा जाए। किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों की भी प्रवेश की मनाही। वहीं ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी श्रद्धालु कुंभ मेले में आ रहे हैं अगर वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो उनको कुंभ मेले में एंट्री नहीं दी जाएगी। जो कर्मचारी हायर रिस्क में हैं, उनमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और जो बीमार कर्मचारी हैं, उनको अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए जाएं और उन्हें फ्रंट लाइन में काम करने नहीं दिया जाएगा। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।